हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए हम आज लेकर आए हैं आपके लिए, क्लास 8 का ही पढ़ रहे हैं, मॉडर्न मैथ के बारे में, मॉडर्न मैथ का इंफिनिट सीरीज की एक बुक है मेरे पास, क्लास 8 के लिए है। आसपास के स्कूल में बहुत ज्यादा यूज भी किया जा रही है। चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो चैप्टर 2 का पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हम ये सीखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, हमारे पास कितना ज्ञान होना चाहिए। तो अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं भाई। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू करेंगे। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करने वाला हूँ कि आप 2.1 एक्सरसाइज अपने आप से सॉल्व कर लें, और नहीं बनेगी चलिए कोई बात नहीं, मैं 2.1 एक्सरसाइज को भी सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए फिर आ जाते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सपोनेंट्स की। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब पावर। पावर का मतलब जैसे 2 की पावर लिखा हुआ है 6 या 2 की पावर लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से ही करना है। कितनी बार? जितनी बार ऊपर लिखा है 2 2, फिर 2, फिर 2। कितनी बार हुई? 1 2 3 4। वैसे 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, पावर 4 है इसलिए, तो 2 2 4 2 8 2 16 हो गया। 3 की पावर अपन ले लेते हैं, 3 की बात करते हैं, ये 3 की पावर 2 की बात करते हैं, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 का 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार? 2 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा? 9। तो इस प्रकार से पावर से आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो 2.1 एक्सरसाइज में जो हमारे पास सवाल आने वाले हैं, किस प्रकार से आने वाले हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें जो सवाल आने वाले उसको सॉल्व करने के लिए हमारे बेसिक लॉ होने चाहिए। लॉस की बात करता हूं, तो लॉस में पहला लॉ है हमारे पास एक्स टू दी पावर एम मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स की पावर एम प्लस एन। क्या समझ में आ गया? नहीं, कुछ को समझ में आया, कुछ को समझ में नहीं आया। तो चलिए बात करते हैं, एग्जांपल ले लेता हूं। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जिसे नीचे एक्स लिखा है पावर अलग है, नीचे उसमें भी एक्स लिखा है पावर अलग है, यदि नीचे सेम चीज थी तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ 6 की पावर 7 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 6 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 6 6 नीचे है, तो जब एक बार 6 नीचे तो ऊपर की पावर जो है जुड़ जाएगी, 7 प्लस 2 लिखेंगे तो 6 की पावर कितना हो जाएगा भाई? ये 6 की पावर 9 हो जाएगा। ये पहला लॉ है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 प्लस 6 क्या आ जाएगा? 2 की पावर 11। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पहले लॉ के बेस पर। तो पहला लॉ आसान था, क्या होता है? बेस सेम होगा, बेस मतलब नीचे की चीज, पावर मतलब ऊपर की चीज, बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है? प्लस। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर के लॉ पर। सेकंड लॉ का जैसे ये हो गया मल्टीप्लाई के लिए, सेकंड होगा डिवाइड के लिए, एक्स टू दी पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर एन। ओके, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर एन। इसका मतलब है क्या होगा? एक्स टू दी पावर एन माइनस एन। यदि बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो जाती थी, पावर हो जाएगी माइनस। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल यू थ्रू समझेंगे, आसान हो जाएगा समझने के लिए। समझेंगे आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। आपको हो सकता है क्वेश्चन लिखा हो 2 to the power 4 लिखा है डिवाइडेड बाय लिखा है 2 to the power 1, तो क्या आएगा भाई आंसर? मैंने भी बताया बेस सेम, 2 2 लिखा है दोनों, 2 की पावर से तो पावर क्या होती है? माइनस। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो चाहे डिवाइडेड बाय ऐसा लिखा हो या फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कहते हैं 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये इस प्रकार से लिख लो 6 की पावर 1। तो 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 1, क्या बेस सेम है? हाँ। क्या लिखा हुआ है? 6, तो पावर क्या है? 2 और 1, तो इसका आंसर है 6 की पावर 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा? 6 की पावर सिंपल 1। एक और बात बता दो, 6 की पावर 1 है, मतलब 6 का 6 से मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? इतनी बार नहीं करना है, क्योंकि 1 लिखा हुआ है, डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे हम 6। तो हमने फर्स्ट लॉ समझा, यदि बेस सेम होगा तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, या मल्टीप्लाई के टाइम पर यदि बेस सेम होगा और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड लॉ पर। थर्ड वाला लॉ है हमारे पास एक्स टू दी पावर एम, उसकी भी पावर एन है यदि, तो इसका आंसर आ जाता है एक्स टू दी पावर एम इंटू में एन। यदि पावर की पावर लगी हो तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आएगा इस प्रकार से तो एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में आपके पास क्वेश्चन आया, आपसे कहा जाएगा 7 की पावर 2 है। हाँ सर, तो ये तो आसान है, 7 की पावर 2 मतलब 7 का 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा
49, चलिए 7 की पावर 2 है। लेकिन आपको मैं चाहता हूं कठिन क्वेश्चन दूं, तो मैंने क्वेश्चन को और भी कठिन कर दिया, पावर लिख दिया 3, 7 की पावर 2 उसकी पावर 3, तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 की पावर 2 इंटू 3, 7 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी, 7 की पावर 6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएंगे। दो दो एग्जाम्पल लेते हैं किसी का, तो इसके एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल है 2 की पावर 4 की पावर 5, तो 2 की पावर 4 की पावर 5, 2 की पावर 4 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 5 20, 4 इंटू 5, और ये आ गया 2 की पावर कितना हो गया भाई, 20, 4 5 20 होता है। तो ये हमने थर्ड लॉ पढ़ लिया, इसी प्रकार से आप फोर्थ लॉ पर आएंगे। फोर्थ लॉ देखते हैं क्या लिखा हुआ है अपने पास, फोर्थ लॉ है डिवाइड के थ्रू। तो डिवाइड में क्या होता है, फोर्थ लॉ में एक्स डिवाइड बाय वाई की होल पावर ये लिखी हुई है 6, ऐसा मान रहा हूं एक्स अलग नंबर है वाई अलग नंबर है, दोनों की पावर क्या लिखी हुई है 6, तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ऊपर भी पावर 6 लिख दो एक्स की पावर 6 और नीचे भी लिख दो पावर वाई की पावर 6, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। बहुत ही आसान है, कैसा आसान है भाई, आप सोच सकते हैं। एक एग्जांपल ही लेता हूं मैं इसका, जल्दी से खत्म करते हैं। 2/3 है उसकी पावर, ये लिखा हुआ है 6, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और नीचे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 6, तो पावर अलग अलग किया जा सकता है। और आ जाते हैं छोटा सा, छोटे से दो टॉपिक बचे, ये फोर्थ नंबर पर आ गया, यहां पर जगह बचा लिए मैंने, तो मैं करता हूं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ पर आता हूं, यदि किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा भाई, समझ में आ गया है आपको, किसी की पावर 0 हो क्या आना चाहिए, आंसर 1 आएगा, सिंपल आंसर 1 आएगा। मैं कहूं 11 की पावर 0 हो तो आंसर क्या आएगा, 1। मैं कहूं 1001 कितना हो गया भाई, 1001001 की पावर 0 होगा तब भी आएगा 1। तो यदि मैं पूछता हूं आपसे 1,01,57,525 की पावर 0 हो तो क्या आएगा भाई आंसर, तो आप कह सकते हैं किसी की पावर 0 हो आंसर आएगा 1। तो चलिए आपने पहला लॉ पढ़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक लास्ट वाला छठवा लॉ। छठवा लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, यदि x की पावर लिखा हो -2 प्लस वाली पावर तो सर जानते हैं, पर माइनस वाली कैसे जानेंगे, तो समझिए एक्स की पावर यदि -2 लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे लिखेंगे 1/(x)^2, ठीक है। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। माइनस वाले में जैसे ऊपर यदि पावर यदि माइनस में तो नीचे डिवाइड में लिख दीजिए इस पूरे नंबर को, पावर क्या हो जाएगी प्लस में, तो क्या ये समझ में आ गया, हाँ क्या पूरे तरीके से, ये पूरा नहीं आएगा आपको, तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके समझिएगा, ट्राई करेंगे। तो पहला लॉ अपना बेस सेम होगा तो पावर प्लस होगी, सेकंड लॉ में बेस सेम होगा पर डिवाइड हो रहा होगा तो पावर क्या होगी माइनस होगी, थर्ड नंबर पे पावर की भी पावर होगी तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा आई इनटू एम, जैसे 2 3 6 y और 5 4 20 हुआ है, यदि x डिवाइड बाय y लिखा हुआ पावर 6 है तो दोनों के ऊपर पावर लगेगा, x की पावर 6 y की पावर 6, ये देखा हमने। एक और बात, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, 7,05,425 की पावर 0 कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 हो आंसर क्या आता है 1 आता है। आगे बात करते हैं, यदि पावर माइनस में हो तो हमें क्या करना है, 1 के अपॉन में ले जाना है और x की पावर 2 कर देना है। तो इस प्रकार से इन बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके हम 2.1 एक्सरसाइज एक्सपोनेंट पावर सॉल्व करने वाले हैं, तो इनको बेसिक समझ लीजिए। यदि आपके पास बुक रखी हुई है तो आप बुक से इनकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज 2.1 खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वरना इंतजार कीजिए मैं आपके लिए अगले वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए इसे नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज कीजिए नोट डाउन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड डे।